हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे, वेलकम टू ससाइन हिंदी टैरो। आज की हमारे रीडिंग के टॉपिक ये है कि दे फील अबाउट यू, वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग राइट नाउ आपके लिए क्या है, ये हम चेक करेंगे। नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे, ओके, आपके पार्टनर की तरफ से। तो चलिए डियर, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें सबसे पहले, और अगर पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहें उसके सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन हैं, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, ओके। चलिए अब आप अपने पर्सन यूनिवर्स पर फोकस करें, उनसे कनेक्ट हो ताकि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। आप यूनिवर्स से प्रे करें कि वो आपको इस सिचुएशन में क्लैरिटी दे। माय गॉड, माय यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज मुझे गाइड करें। जो मेरे व्यूअर्स की पर्सन है उनके राइट नाउ फीलिंग्स इनके लिए क्या है, वो राइट नाउ इनके लिए कैसा फील कर रहे हैं, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। ओके, टू सॉरी सेवन ऑफ स्वर्ड, सेमिनाइली ब्रैक्वेरियस, टेन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, पेज ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आई थिंक जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है, या तो ये पर्सन अभी भी आपको परेशान कर रहे हैं। सिक्स ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है थ्री ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व अब दोनों के बीच है, सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ओके। यहाँ पर वाटर साइन काफ़ी कम है डियर, ठीक है, सेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस काफ़ी ज़्यादा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन काफ़ी ज़्यादा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत ही कम मुझे दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर एरिस, लियो, सेजिटेरियस भी कम मात्रा में है, मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो राइट नाउ आपके पर्सन की फीलिंग्स मैं देखूँ कि वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, तो ये पर्सन का मुझे इमेच्योर बिहेवियर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हो सकता है काफ़ी ज़्यादा इमेच्योरिटी हो इनमें, ठीक है, मुझे मैच्योरिटी नहीं दिखाई दे रहा है, और हो सकता है इस पर्सन ने पास्ट में आपके साथ काफ़ी ज़्यादा आपसे झूठ बोले हो, आपसे बातें छुपाई हो, या तो इन्होंने इनकी तरफ से आपको धोखा मिला है, ठीक है। थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, आपकी फैमिली हो सकती है, कास्ट रिलीजन हो सकता है, या तो ये पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं, ठीक है, या गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कुछ भी हो सकता है डियर, जिसको आप जानते हो, ठीक है। थर्ड पार्टी डेफिनेटली आप दोनों के बीच इन्वॉल्व हैं। तो राइट नाउ ये पर्सन अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं, हाइड रख रहे हैं, बट स्टॉक कर रहे हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा लॉजिक लगा रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए, ये आपको भी देख रहे हैं कि आप क्यों नहीं आ रहे हो, पहले जैसे इनसे बात क्यों नहीं रहे हो। आई थिंक जो मेरे व्यूअर्स हैं वो पहले की तरह इनके पीछे पीछे भागना बंद कर दिया है आपने, इनको बार बार कॉल करना, मैसेजेस करना आपने छोड़ दिया है, जिस वजह से भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं कि कैसा, ऐसा कैसे हुआ, आखिर इसको हुआ क्या, या अचानक से चेंज कैसे आ गया इसमें, इस टाइप का आपके पर्सन की फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रहा है। इस टॉक ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको कर रहे हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, थ्री ऑफ कप्स, बट ये पर्सन अपनी फीलिंग्स हाइड रख रहे हैं। राइट नाउ ये पर्सन जो इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है वो नहीं शो कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। आई थिंक इन्होंने ना अपना डिसीजन बना लिया है कि इनको आपकी तरफ आना है, अगर थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच है तो, और नहीं है थर्ड पार्टी तो बहुत अच्छी बात है, तब तो ये आएंगे ही, मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है इनका। राइट नाउ ये पर्सन की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन हो रहा है, हो सकता है ये किसी पार्टीज इन्जॉय कर रहे हों,
अपने फ्रेंड्स फैमिली या थर्ड पार्टी के साथ गेट टुगेदर कर रहे हों, कहीं घूम फिर रहे हों, मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। हो सकता है सोशल मीडिया पर ये अपने पिक्स थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी ज़्यादा पोस्ट कर रहे हों आपको चलाने के लिए, कुछ मुझे ऐसा टाइप का दिखाई दे रहा है। ये पर्सन थोड़े से गुस्से में भी दिखाई दे रहे हैं, थोड़े से नहीं, मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। इनको आपको लेकर थोड़ा सा गुस्सा भी है कि ठीक है ये आपसे दूरियां बना रहे हैं चलेगा, बट आप कैसे ऐसे कर सकते हो, आप कैसे दूरियां क्रिएट कर सकते हो, आप कैसे इनिशिएटिव नहीं ले सकते, आप कैसे इनसे बात नहीं कर रहे हो, इस वजह से ये मुझे थोड़े से गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। कई लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने आपके साथ धोखाधड़ी किया है, उसका रिग्रेट है, आपके पर्सन को उसका रिग्रेट है। ये पर्सन स्पिरिचुअल हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा इनमें चेंजेस आ रही है, इनमें अलग ही तरह का पावर आ रही है। ये आप दोनों के बीच सब ठीक भी करना चाहते हैं, यस ये पर्सन आप दोनों के बीच सब ठीक करना चाहते हैं। अगर फैमिली आप दोनों के बीच है तो ये फैमिली को मना कर ठीक है आपके पास आना चाहते हैं। आपके फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स या आप दोनों के कॉमन फ्रेंड्स, म्यूचुअल फ्रेंड्स या किसी से तो आपके बारे में पूछताछ ये पर्सन कर रहे हैं। कम्युनिकेशन का कार्ड आया है तो कई लोगों को कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है इनकी तरफ से, काफ़ी ज़्यादा चांसेस आइडिया है ठीक है। बट मुझे दिखाई दे रहा है कि जब आपके पर्सन आएंगे ना तो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो ना उल्टा जैसे होते हैं ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस टाइप का आपके पर्सन की तरफ से आपको कुछ देखने को मिलेगा ठीक है। हाँ गलतियाँ इनकी भी होगी बट पूरा गलतियाँ ऐसे करेंगे कि पूरा गलती आपका ही है, कुछ इस टाइप का। काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपसे, इनको पता है कि आप एक परफेक्ट पर्सन हो, एक परफेक्ट हस्बैंड वाइफ बन सकते हो, आपके साथ लाइफ स्पेंड करना यानी कि आपको पाना, किसी खुशियों खुशियों को पा लेना है, खजाना को पा लेना है। आपके पर्सन को पता है, आपके पर्सन को पता है आप काफ़ी ज़्यादा लॉयल हो, काफ़ी ज़्यादा मदरली नेचर के हो, जो यानी कि जिसके साथ भी आप रहो ठीक है, जो भी आप के पार्टनर बने उनका तो लक है, काफ़ी ज़्यादा लक्की पर्सन होंगे वो, इनको ऐसा फील होता है। ये पर्सन इसलिए भी आपकी तरफ मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ तो एक्शन लेने वाले हैं ये, और वो एक्शन मुझे आपकी तरफ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो रिश्ता टूट गया है ठीक है उसको ये वापस से बिल्ड करना चाहते हैं, वापस से सब ठीक करना चाहते हैं, वापस से इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहते हैं। अगर ये इन्होंने आपके साथ चीटिंग की है तो मुझे कई लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि आपसे माफ़ी मांगेंगे, इनको रिग्रेट है, आपके बहुत ज़्यादा सपने देख रहे हैं, आपको खोने का डर है इनको कि ये पर्सन कहीं आप जैसे परफेक्ट पर्सन को खो ना दे अपनी बेवकूफ़ियों से, अपनी नादानियों से। इनको ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा भी फील हो रहा है कि अपनी मूर्खता से ठीक है इन्होंने आपको खो दिया है, काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं ये। आई थिंक इनका जो नाइट है ना स्लीपलेस नाइट हो रही है, ये रात को सो भी नहीं पा रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं जो टावर मोमेंट आप दोनों के बीच आया था पास्ट में, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, रिग्रेट है इस पर्सन को अपनी गलती का, इमोशंस फील आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। जिस तरह से आप इनका वेट कर रहे हो, जिस तरह से आप इनको देखते हो, ये पर्सन भी डेफिनेटली उसी तरह से उसी डेडिकेशन से आपको भी देखते हैं, आपको भी मिस करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इनमें ना फीलिंग्स आ रही है ठीक है। मैंने जब कार्ड्स निकाले थे शुरुआत में तो मुझे इमोशंस का कार्ड इनके लिए कहीं नहीं दिखा था, बट जैसे जैसे मैं रीडिंग में आगे बढ़ते जा रही हूँ इनकी फीलिंग्स मुझे आपके लिए देखने को मिल रहा है। यस इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, अभी भी है, अभी भी आपसे प्यार करते हैं। आई थिंक पहले मुझे ना इनका ट्रू लव नहीं दिखाई दे रहा था, बट ये पर्सन अब राइट नाउ आपके लिए रियल में फील करने लग रहे हैं, लग गए हैं ट्रू लव फील करने लग गए हैं आपके लिए। दी वर्ल्ड, आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है तो ये पर्सन दुनिया ख़त्म करना चाहते हैं, अगर नो कॉन्टैक्ट में हो तो कॉन्टैक्ट में आना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं ये पर्सन। ये ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड भी है, अट्रैक्टेड भी आपसे काफ़ी ज़्यादा हैं, आपके नज़दीक आना है इनको, आपके साथ इंटीमेट होना है इनको। मैं इनका
एक डेविल रूप देख पा रही हूँ, यानी कि ये पर्सन ने पास्ट में ना आपको काफ़ी ज़्यादा एब्यूज किया है, आपको आपका रिस्पेक्ट इन्होंने नहीं किया है, काफ़ी ज़्यादा हर्ट पहुँचाया है इन्होंने आपको। आई थिंक इस पर्सन ने आपका कभी भी रिस्पेक्ट नहीं किया, मुझे पास्ट की एनर्जी कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। रिग्रेट है बट इनको रिग्रेट है, जो दूरी आप दोनों में आई है इनको भी हर्ट हुआ है, जितना पेन आपने महसूस किया है, जितना तकलीफ आपने देखा है इस रिलेशनशिप में, आप ये पर्सन भी देख रहे हैं राइट नाउ अभी भी। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे ना कई लोगों के लिए ऐसा फील आ रहा है, ऐसा वाइब्स आ रहा है कि अगर आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, इनका एक्स्ट्रा लव अफेयर, तो उनके तरफ से इनको या तो धोखा मिला है, ठीक है, इनको धोखा मिला है, जिसके वजह से भी ये इस पर्सन को आपकी वैल्यू रियलाइज हो रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, वापस से सब ठीक करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते हैं। अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो मैं बता दूं, अगर आप दोनों में सेपरेशन है तो भी आपके पर्सन यही चाहते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ डियर कि मेरी सभी रीडिंग्स ऑलमोस्ट सभी के लिए होती है, ठीक है, मैरिज के लिए, अनमैरिड के लिए, मैरिड, अनमैरिड, सेपरेटेड, सिंगल, सभी के लिए ऑलमोस्ट होती है, ठीक है। यस, इस पर्सन को आपके करीब आना है, और अगर आप दोनों में सब ठीक है, अगर कम्युनिकेशन ठीक है, आप इनके वाइफ या हस्बैंड हो, तो आपके साथ इनको बेबी चाहिए, आप ये लाइफ का न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, इनको बेबी चाहिए आपके साथ। चलिए और देखते हैं आपको इस सिचुएशन में क्या करने की ज़रूरत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, चलिए देखते हैं। हाय गॉड, माय यूनिवर्स, मैन, जस्ट प्लीज़ मुझे गाइड करें, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, प्लीज़ मुझे गाइड करें। एक्सिस्टेंस, तो यूनिवर्स, आपके गॉड, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, वो आपसे ये कह रहे हैं कि जो आप चाहते हैं वो आप हासिल कर सकते हैं। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप एकदम सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, जो आप चाहते हैं ना उनके बहुत ही करीब हैं आप। अगर आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो वर्क कर रहा है, पॉसिबिलिटीज़ है, का कार्ड मुझे ये बताता है कि पॉसिबिलिटी है जो आप चाहते हैं ना वो हासिल करने का, 100% पॉसिबिलिटी है। अभी आपको लग रहा है कि अंधेरा छाया हुआ है आपकी लाइफ में, बट सुबह होने ही वाली है, आप खुद ही देख सकते हैं, आप में वो पावर, वो काबिलियत है, जो आप चाहें वो हासिल कर सकते हैं। आपको खुद पर ट्रस्ट रखना है, यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना है, अपने प्यार पर ट्रस्ट रखना है। ओके डियर, सुबह होने ही वाली है, देख रहे हैं, ऑलरेडी आपको महसूस होने लग गया होगा कि जो आप कर रहे हो वो रंग ला रहा है, यानी कि वो वर्क कर रहा है, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, आप करते रहें। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम साई राम, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, ओके, ओम साई राम, या जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं। न्यू विज़न, आपको कहीं पर स्टक नहीं रहना है डियर, हाँ आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आप इनको अपनी लाइफ में चाहते हो, बट आपको रोना धोना नहीं है, इन पर स्टक नहीं रहना है, आपको सेल्फ लव करना है। हाँ, आप इन्हें भी मैनिफेस्ट करें, इन्हें भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आप फॉलो कर ही रहे हैं, यहाँ पर बहुत से लोग मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, बट आपको खुद को भी खुश रहना है, रखना है, ठीक है, और आपको स्टक नहीं रहना है, आपको आगे ही बढ़ना है अपने लाइफ में, खुद का ख्याल रखना है, खुद की वैल्यू देखना है आपको। सौरो, यहाँ पर अगर कई लोग दुखी हो तो नहीं, ऐसा नहीं रहना है आपको। यहाँ पर ना कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि बहुत वेट कर लिया मैंने, कब तक, आखिर ये इंसान ये कब तक आएगा, कब तक, अभी तक ये बात क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं करे, इस टाइप का आपको कुछ लग रहा होगा, तो नहीं, आपको दुखी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो आप कर रहे हैं ठीक है वो वर्क कर रहा है, आपको पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर कई लोगों को लगेगा और कितना बनाए, प्यार है ना, तो खुद के प्यार पर ट्रस्ट करें, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करें,
किसी पर नहीं तो अपने प्यार पर तो ट्रस्ट आपको रखना ही चाहिए, ठीक है, खुद के प्यार पर आपको पेशेंस बनाए रखना है। ओके डियर, चलिए और देखते हैं आपको क्या करने की ज़रूरत है। पास्ट लाइव्स, मुझे यहाँ पर कई लोगों को, यहाँ पर ना कई लोगों को लगता है कि आपका आपका आपके पार्टनर के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो यस, आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिसके वजह से भी आप इनसे काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इनके लिए इमोशंस फील करते हैं। आपको ऐसा लगता है यहाँ पर कई लोगों को कि आप आगे बढ़ना चाहते हुए भी नहीं बढ़ पा रहे हो, कारण ये है कि यस, आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और अगर आज आपकी लाइफ में ये सब हुआ है ना कि इस पर्सन ने आपको फैमिली का बहाना देकर या किसी भी तरह का थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच लाया हो आपके पर्सन ने, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपने पास्ट लाइफ में कुछ इनके साथ ऐसा किया हो, इसका मुझे कुछ कनेक्शन दिखाई दे रहा है डियर, ठीक है। तो यस, आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डेफिनेटली है, आप पास्ट लवर हो। अंडरस्टैंडिंग, आपको सोच समझ कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, यानी कि देखिए डियर, प्यार ना सिर्फ, मैं ये कहना चाहूँगी कि सिर्फ इमोशंस के बहाव में ना बहें, आप दिमाग से भी काम लें, ठीक है, आप दिमाग से भी काम लें। वो कहते हैं ना, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ती है, तो आप कुछ इस तरह से करें। इनका ना, अगर ये पर्सन आपका रिस्पेक्ट नहीं करते तो ऐसे पर्सन को आपको, ठीक है, वैल्यू नहीं देनी है। किसी को ना हमारी वैल्यू तभी रियलाइज़ होती है जब हम खुद से प्यार करते हैं, जब हम खुद से उनसे दूरियां बनाने लगते हैं। किसी को खोने के बाद उसकी वैल्यू पता चलती है, कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। इनोसेंस, आपको अपने लाइफ को इनोसेंस होकर इन्जॉय करने की ज़रूरत है। हाँ, इस सिचुएशन ने आपको काफ़ी कुछ सिखाया है, ठीक है, आपको बहुत कुछ सिखाया है, आप एक मैच्योर पर्सन बने हो। यहाँ पर मुझे बहुत से लोग दिखाई दे रहे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा मुझे इनोसेंस दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लविंग दिखाई दे रहे हो, केयरिंग नेचर के दिखाई दे रहे हो, काफ़ी ज़्यादा खुश मिजाज दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर बहुत से लोग मुझे। तो यस, मैच्योरिटी के साथ अपनी लाइफ को इन्जॉय कीजिए, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा डियर, ठीक है, जो आपका है वो कहीं नहीं जा रहा, एट द एंड वो आपके पास ही आएगा, ठीक है। ऐसे सोचकर लाइफ को इन्जॉय करें, खुद से प्यार करें, राइटनेस, आपको इंतज़ार का फल ज़रूर मिलेगा, मिलने वाला है, ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं। चलिए देखते हैं साईं बाबा का मैसेजेस, क्या कहना चाहते हैं सिचुएशन में साईं बाबा आपसे। ओम साई राम, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। ओके, ओम साई राम, ओम साई राम। मेरे साईं बाबा, आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं सिचुएशन में। ओम साई राम, ज़रूरतमंदों की सहायता, आपको ज़रूरतमंदों की सहायता करनी है, यानी कि आपको अपने आसपास ऐसे बहुत से लोग दिख जाएंगे डियर, ठीक है, तो जिनका मदद आप कर सकते हैं उनका मदद ज़रूर करें, ठीक है, अपना हमेशा लविंग केयरिंग नेचर बना के रखें, सबको प्यार बांटें, ठीक है, सबको प्यार केयर बांटें। आप ब्रह्मांड हैं, अपने भीतर के ब्रह्मांड को तलाश कीजिए, साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि पूरे ब्रह्मांड की ताकत आप में है। एक्सिस्टेंस का कार्ड और देखिए, आप ब्रह्मांड हैं, साईं बाबा खुद कह रहे हैं आप में वो काबिलियत है, जो आप चाहते हो वो हासिल कर सकते हो, तो खुद पर ट्रस्ट रखना है। ओके, खुद पर ट्रस्ट रखना है और अपने अंदर के जो ब्रह्मांड है ना, यानी कि जो शक्तियां आप में हैं, जो काबिलियत आप में है, उस पर ध्यान दीजिए। ओके, मौन, मौन की भाषा सीखे, 1000 शब्दों से भी ज़्यादा वो कारगर है, तो बस अब साइलेंट हो जाने की ज़रूरत है, अब साइलेंट रहने की ज़रूरत है, जस्ट वेट एंड वॉच। ओके, पॉजिटिव होकर धारणा, उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है, तो आपको खुद में ही कुछ भी धारणा नहीं बना लेना है, ठीक है, आपको खुद से ही ना
वो जो करते हो ना कि ये थर्ड पार्टी के साथ ये तो गुलछले उड़ा रहा सॉरी कुछ इस टाइप का सोचते हो ना कि थर्ड पार्टी के साथ ये तो बहुत मज़े कर रहा होगा, मज़े कर रही होगी, तो ज़रूरी नहीं है जो आप सोच रहे हो ना वो सही हो। ठीक है, आपको खुद से कुछ भी धारणा बनाने की ज़रूरत नहीं है। साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कसमें और वचन, आपके या आपके परिवार ने दिए हुए वचन हर कीमत पर पूरा करें। अगर आपने किसी को वचन दिया है, कसम दिया है, तो आपको उसे निभाना है। चाहे वो कसम वो वचन आपने अपने फैमिली को दिया है, अपने पर्सन को दिए हो, या किसी फ्रेंड को दिए हो, या तो खुद को दिए हो, या अपने गॉड ईश्वर को दिए हो, ठीक है, तो याद कीजिए कि आपने किसको क्या कसम वचन दिया है और आपको उसे पूरा करना है। तो डियर यही थी आज की रीडिंग। अगर पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और पॉजिटिव रहें, हैप्पी रहें। ओके बाय, लव यू अ लॉट।